भाई मुनव्वर फारूकी की सलमान खान ने लगाई है क्लास। चलिए बताते हैं कि क्यों लगाई है और कैसे लगाई है। दरअसल आप सबको पता होगा कि अभिषेक के साथ जब चिंटू वो सारी हरकतें कर रहा था, उसको प्रोवोक कर रहा था, उस टाइम पे मुनव्वर फारूकी भी वहीं पे बैठे हुए थे अंकिता लोखंडे के पास। लेकिन मुनव्वर एक बार भी नहीं गए चिंटू को रोकने के लिए कि चिंटू ये तू क्या कर रहा है, ये जो तू प्रोवोकेशन कर रहा है ये एक्सट्रीम जा रहा है, अब तो रुक जा। तो सलमान खान का यही कहना था कि मुनव्वर आप कहाँ पे थे, आप उस टाइम क्या कर रहे थे जब ये सब कुछ हो रहा था अभिषेक के साथ, वो इतना अग्रेसिव हो गया था और ये सारी सिचुएशंस घट रही थी, आप कहाँ थे? क्योंकि आपके तो हर गुड बैड हर टाइम पे क्या नाम है इसका, अभिषेक खड़ा रहा है, हर टाइम पे आपके साथ खड़ा रहा है, तो आपको भी तो होना चाहिए ना। लेकिन आप उस टाइम पे नहीं थे, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि आप लोग ये जानबूझ के कर रहे थे कि चलो बढ़िया है अभिषेक ऐसी कोई गलती करे ताकि वो इस शो से बाहर हो जाए। और सलमान खान का ये भी कहना था कि भाई आप लोगों को कहीं ना कहीं ये सब कुछ अच्छे से पता था कि अभिषेक का गेम और उसका जो ग्राफ है वो बहुत बड़ा होता जा रहा है, लोग उसको बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, उसका गेम बहुत अच्छा होता जा रहा है और इसीलिए आप लोग पीछे हट गए। आप लोगों ने सोचा कि ठीक है भाई यहाँ पे ये एक गलती करे और गलती करने के बाद इस घर से बाहर चला जाए, और वही आप सबने किया। जब उसकी विदाई हो रही थी, मतलब जब वो इस घर से बाहर जा रहा था, तब आपने रोने धोने का तो बहुत सब लोगों ने नाटक किया कि सबने रो रो के दिखाया। लेकिन अगर आप लोगों को रोना ही था, आप लोगों को अगर इतना बुरा फील ही हो रहा था, तो जब वो उन सारी चीज़ों से गुजर रहा था तब आप लोग कहाँ थे? तब आप में से किसी ने भी आवाज़ क्यों नहीं उठाई? मतलब बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि सलमान खान ने सभी को डिकोड करने की कोशिश की है यहाँ पे कि भाई आप लोग, कोई नहीं चाहता था कि अभिषेक इस घर में रहे और अभिषेक आप सभी के लिए थ्रेट बन चुका था। आप लोग को लग रहा था कि वो अगर थोड़ा और अच्छा खेलेगा तो वो गेम जीत भी सकता है, और इसीलिए आप में से कोई भी बंदा, चाहे वो मुनव्वर हो चाहे अंकिता, मतलब वो सभी की भी बात कर रहे थे, स्पेशली मुनव्वर से उन्होंने बात करी कि आपका तो वो दोस्त था ना, तो आपने दोस्ती क्यों नहीं निभाई, आपको तो दोस्ती निभानी चाहिए थी, लेकिन आप भी पीछे बैठ के देख रहे थे जैसे बाकी दूसरे देख रहे थे, तो दोस्ती किधर गई? दोस्ती यानी कि फिर वही बात हो गई कि आप क्लोजर नहीं देते, तो आपने इस वाली दोस्ती को भी प्रूफ नहीं किया कि चलो भैया आप दोस्तों के दोस्त हैं, आप यारों के यार हैं, आप यहाँ भी फेल होते हुए से नजर आए। तो ये वाली सारी चीज़ें समझ में आई हैं। चलिए फिलहाल देखते हैं आगे क्या कुछ होता है, और वीकेंड के वार का हमें बेसब्री से इंतज़ार है कि क्या सलमान सर कहते हैं। वैसे खबरें तो यही आ रही हैं कि ये सारी चीज़ें हुई हैं घर के अंदर।